नमस्कार, आप हैं बलबटे परिवार के मुखिया श्री रामकृष्ण जी बलबटे जी। तो हम उनसे जानते हैं कि उनको इस विषय में क्या खबर मिली और उनका क्या कहना है। तो साहब बताइए कि खरगोन अधिवेशन में जो बलबटे परिवार के लिए कुछ कहा गया, तो कोई जानकारी मिली उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे को ये जानकारी मिली कि बलबटे हमारे परिवार के बारे में वहाँ महासभा के मंच से कुछ हमारे परिवार के बारे में गलत जानकारियाँ दी गई, जो कि अनौपचारिक कीमत थी और वो उसको मतलब किस विषय को किस से रखा गया वहाँ पर, क्या एजेंडा में ये विषय था, क्या ये कहने की अनुमति किसने दी, क्या महामंत्री महोदय अध्यक्ष महोदय ने भाषण ये देने का जो था वो देखा था, उनकी अनुमति से हुआ, या अगर उन्होंने बोला गलत तरीके से तो उसको किसी पारिवारिक के विषय में वहाँ कहने का कौन सा अधिकार था, और वहाँ मंचासीन लोगों ने उनको रोका क्यों नहीं? बिल्कुल, जो अनापत्तिजनक हमारी जो बातें कही गई तो उससे हमारा पूरा परिवार दुखित है जी। और हम इसकी घोर घोषणा करते हैं, हमारी बहुत आपत्ति है और हमारा परिवार दुखित स्थिति से कि हमारे परिवार के बारे में ये बहुत गलत वहाँ पर जानकारी दी गई। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसने भी ये मतलब वहाँ से ये हमारी जो परिवार के बारे में कहा उनको मतलब माफ़ी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए लिखित रूप में, और इसका मतलब मैं वो करता हूँ, तुमको माफ़ी मांगना चाहिए जी। धन्यवाद। काले घने बाल जो देते हैं आपके व्यक्तित्व को एक नया निखार, अपने बालों को बनाएं घने चमकदार केशोस हर्बल हेयर ऑयल से। केशोस हर्बल हेयर ऑयल जो पूर्णतः प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित, जिसमें है आंवला, काले घने लंबे बालों के लिए, नीम, रूसी और फंगस इन्फेक्शन को रखे दूर, शंख पुष्पी बालों को जड़ से मजबूत कर झड़ना रोकता है, मेहंदी बालों को कंडीशनिंग कर कुदरती चमक प्रदान करती है। तो आज ही अपनाइए केशोस हर्बल हेयर ऑयल